हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम लोग किसी भी पिक्चर को वर्टिकली फ्लिप कैसे करते हैं। तो इसे करने के लिए हमें पिक्चर को सेलेक्ट करना है और फिर क्लिक करना है इस पिक्चर टूल के फॉर्मेट में। इसके बाद आपने क्लिक करना है इस रोटेट टैब में, जो कि ये अरेंज ग्रुप में है। उस पर क्लिक करने के बाद मिडिल में आपको ऑप्शन दिखेगा सेंटर पे फ्लिप वर्टिकली। इसमें क्लिक करते के साथ ही आपका ये फ्लिप वर्टिकल आपके पिक्चर में अप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसे अंडू करूँगा, तो जैसा कि देख सकते हैं ये पहले ऐसा था, लेकिन ये अप्लाई करने के बाद ये ऐसा हो गया। तो इस तरीके से आप फ्लिप वर्टिकली अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंप्लीट बेसिक टू एडवांस एक्सेल ट्यूटोरियल के लिए डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, और इसी तरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर कोर्सेज़ के लिए हमारे वेबसाइट mahagurus.com पे विज़िट करें। थैंक यू।